बारहवीं से बाद वापस मेरे से होती है सीजन 4 के एंडिंग के साथ, जहाँ सबको पता चल जाता है कि केंजी का फादर कौन है जो मेंटाकॉर्प का मालिक है, कौन केंजी के गले मिलता है, और केंजी को भी मिलके काफ़ी खुशी होती है अपने फादर से। डेनिस, रियास, ब्रुकलिन, बैन, मी ये सब बताते हैं कि कैस ने इन्हें मारने की कोशिश करी, जिससे सुनकर कौन काफ़ी ज़्यादा कैस पर गुस्सा हो जाता है। कैस ब्रैड को कौन और बाकी लोगों को खिलाफ कर देता है, पर कौन बड़ी आसानी से ब्रैड को वापस काबू में कर लेता है और कैस को गिरफ्तार कर लेता है। मे को मिडवे भेज दिया जाता है इलाज के लिए। ब्रुकलिन को अभी भी कौन पर सर्व होता है। सभी कैंपर्स को उनके पर्सनल कमरे दिए जाते हैं। कौन माँ आता है और बताता है कि वो सीक्रेटली सबको घर भेज देगा। जब तक तो वो सीक्रेटली घर नहीं भेज रहा, तब तो उन्हें यही रहना होगा। केंजी के लिए सब लोग मान जाते हैं। सैमी और ब्रुकलिन कैस से सैमी की फैमिली के बारे में पूछने जाते हैं। शुरुआत में तो कैस नहीं बताता, जब वो उसे बाहर निकलने का लालच देते हैं तब कैस बता देता है कि उसके ऑफिस में सैमी की फैमिली की फाइल है। ये जानकारी मिलने के बाद वो कैस को बाहर नहीं निकालते। टेनिस को पता चल जाता है कि बिग इटी लिटिल इटी के बिना कुछ नहीं खाएगी। कौन केंजी को बताता है कि वो डायनासोर फाइट करवाना चाहता है अभी भी। केंजी डायनासोर फाइट के खिलाफ बोलता है, तो कौन का मानना है कि डायनासोर से माइंड लाइक क्रिएचर्स हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। इसी बीच उन पर कुछ रैप्टर्स हमला करने की कोशिश करते हैं, पर ड्रोन्स के कारण नहीं कर पाते। सैमी और ब्रुकलिन को सैमी के परिवार की फाइल मिल जाती है। तभी वहाँ पर कौन आ जाता है जो बताता है कि जोसेफ बिल की घटना के बाद उसने सैमी की फैमिली के सारे लोन चुका दिए। अब जो यहाँ मेंटाकॉर्प का एजेंट पर मीट आता है वो सर सैमी की फैमिली से ही आता है। इसे सुनकर सैमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। केंजी बाकी को डायनासोर फाइट के लिए बताता है। तभी डेनिस और बाकी लोग डिसाइड करते हैं वो डायनासोर को दूसरे साइड इफेक्ट दिखाएंगे कि जिससे कौन को समझ में आ जाए कि डायनासोर माइंडलेस क्रिएचर्स नहीं है। इसके लिए वो बिग इटी और लिटिल इटी को मिलवा देते हैं, जिससे कौन मान जाता है। कौन कैस और मे को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए कहता है, पर मे के मना करने पर वो बच्चों को मारने की धमकी देता है। तब हमें पता चलता है कि कौन बस इतने समय से अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। एपिसोड 2। कैंपस को अभी भी कौन पर सब हो रहा होता है, इसलिए वो लोग मे से मिलने जाते हैं। कौन मे से बच्चों को भगाने के लिए कहता है। मे वैसा ही करती है, बच्चों को भगा देती है और फायर क्रैकर नर्सरी में छोड़ने की कहती है। ये बच्चे नर्सरी जाते हैं जहाँ कैस को रखा गया था, पर अब वो लोग देखते हैं कैस वहाँ पर है ही नहीं। दूसरी ओर केंजी ब्रुकलिन के साथ डेट की तैयारी कर रहा होता है। रियास और सैमी भी उसका साथ देते हैं। कौन केंजी को अपनी ओर करने की कोशिश करता है। ब्रुकलिन, डेनिस, बैन कैस के ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं कि साइड ड्रोन जंगल में जा रहे हैं, और इसी कारण जाने के लिए वो लोग भी जंगल की ओर जाते हैं। दूसरी ओर कौन के इन्वेस्टर साइरस, गोल्ड, मोनिना आइलैंड पर आते हैं। कैंपस को पता चलता है कि कैस ने बिग इटी के अंदर कंट्रोलिंग चिप डाल दी है और वो अब बिग इटी को रिमोट के जरिए कंट्रोल कर रहा है। कौन रैप्टर्स और लिटिल इटी के जरिए, जिससे ब्रुकलिन डेट में नहीं आ पाती। कौन केंजी को ब्रुकलिन के खिलाफ भड़काता है और अपने संग अपने इन्वेस्टर्स से मिलवाता है। फिर हमें ब्रैंड को दिखाया जाता है जो डेनिस का बड़ा भाई है, जो डेव और रॉक्स, इनको हमने सीजन 1 में भी देखा था। टेप और रॉक्सी का नाम सीजन 1 में टिम और लेस था। रॉक्सी के संग कैंपस को वापस लाने का प्लान बनाते हैं। एपिसोड 3। केंजी बच्चों से नाराज़ होता है, पर डेनिस और बाकी लोग डेनिस और माइंड कंट्रोलिंग के बारे में बताते हैं, जिससे यानी केंजी अपने फादर कौन से पूछता है। जब कौन बताता है कि अगर इन्वेस्टर्स को कुछ यूनिक नहीं दिखाया गया तो उन्हें बिजनेस बंद करना होगा और यहाँ के सभी डेनिस भूखे मारे जाएंगे। कौन केंजी को भी अपनी ओर करने की कोशिश करता है और बाकी के लिए भड़काता है फिर से। बैन और ब्रुकलिन चुपके से मे के पास जाते हैं। मे उन्हें बताती कि न्यू कंट्रोलर चिप ओल्ड कंट्रोलर चिप के पास आते डिसेबल हो जाती है, जहाँ से वो कुछ ओल्ड चिप्स अपने संग ले लेते हैं। केंजी बाकी संग बहस करता है। कौन कैश की जगह केंजी को अपने संग ले जाने के लिए कहता है। कौन इन्वेस्टर्स के सामने रैप्टर्स, टीरस और स्पाइनोसॉरस को कंट्रोल करके दिखाता है। इन्वेस्टर्स खुश होते हैं और डायनासोर को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली वो डायनासोर को आपस में लड़वाना भी शुरू कर देते हैं। तभी कैंपस और कंट्रोलर चिप के संग मां आ जाते हैं। बैन स्पाइनोसॉरस की कंट्रोलर चिप को डिसेबल कर देते हैं, जिससे स्पाइनोसॉरस साइरस को मार देता है। डेनियस बिग इटी की चिप को डिसेबल कर देता है, जिससे बिग इटी कोल्ड को मार डालती है,
और आखिरी में रैप्टर्स की चिप को डिसेबल कर दिया जाता है जिससे रैप्टर्स कैस को मार डालते हैं। इन सब में मोलिना बच जाती है जिसने डॉर्सन के संग कॉन की मीटिंग नुबला में फिक्स कर दी थी। कॉन और केंजी कैंपस को बंद कर देते हैं। एपिसोड 4 कॉन केंजी में ये लोग इसला नुबलार पहुँचते हैं। तेमा हॉस हॉप्स आता है जिसे कॉन ने हायर करा था, इसे हमने सीजन 3 में देखा था। दूसरी ओर कैंपस भागने की कोशिश कर रहा था पर हर 5 मिनट में एक ब्रेड उन पर देखने आता है। वो लोग टाइम बना रहे कि वो अंडरग्राउंड निकलेंगे यहाँ से। वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं इतने में एक ब्रेड उनका पीछा करना शुरू करता है जिससे बस वो पार मशीन के पास पहुँच जाते हैं जहाँ एक लिस्टोसॉरस उन पर हमला कर देता है जिसके बचते हुए वो ब्रेड के सामने आ जाते हैं। लिस्टोसॉरस ब्रेड को एक इंसान समझ कर उसे खाने की कोशिश करता है। इसी दौरान ब्रेड की एक बीन लग जाती है जिससे पार मशीन खराब हो जाती है। रॉक्सी टेव ब्रेड ये लोग भी इस ब्लर पहुँचते हैं। डेरियस नोटिस करता है कि टीरियस किसी चीज़ से डर रहे हैं। अचानक से पावर मशीन खराब हो जाती है और मेंटाकॉप में भूकंप आ जाता है। इसे नुबलार में भी भूकंप आने शुरू हो जाते हैं जिसके कारण केंजी और हॉब्स एक छोटी सी खाई में गिर जाते हैं। इसे नुबलार में भूकंप वोल्केनो के एक्टिव होने की वजह से आएगा। अचानक से केंजी के सामने टोरो आ जाता है यानी कि कार्नोटॉरस। एपिसोड 5 टोरो केंजी पर हमला करता है पर हॉब्स टोरो के ऊपर चढ़ के उसके अंदर कंट्रोल चिप डाल देता है। केंजी सही टाइम पर हॉब्स को बचा लेता है टोरो कंट्रोल करके। डेनियस और बाकी लोग देखते हैं कि टैंसोस ड्रोन के जरिए डर रहे हैं। डेनियस टीरेस से ध्यान रखने के लिए मयूर रुक जाता है और बाकी लोग ड्रोन को बंद करने के लिए जाते हैं। इसरा नुबलार ब्रेड के पीछे बायोनिक्स पड़ जाता है पर टेप और रॉक्सी बायोनिक्स को बेहोश करके ब्रेड को बचा लेते हैं। डेनियस टीरेस को शांत करने की कोशिश करता है। कैंपस ड्रोन को बंद कर देते हैं जिससे टीरेक्स वहाँ से चले जाते हैं। ब्रुकलिन को पता चलता है कि इजन नुबलार से जो SOS बीकन का सिग्नल भेजा गया था उसे मेंटाकॉप के लोगों ने रिसीव करा था। कैंपस प्लान बनाता है कि इजन नुबलार के एक ड्रोन को कनेक्ट करके वहाँ की गतिविधियाँ देख सकते हैं। ये लोग ड्रोन को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर ये लोग देखते हैं कि केंजी और कॉन को जो टोरो कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसे देखकर ब्रुकलिन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। टैंसो सभी भी डरे हुए थे क्योंकि उन्हें फार्मेसी के बिगड़ने का और आइलैंड में आने वाले खतरों का पहले से पता चल गया था। अचानक से एक और भूकंप आता है जिसके कारण बिग किटी एक पेड़ के नीचे दब जाती है। नुबलार में फिर से भूकंप आता है जिसके कारण केंजी पत्थरों के बीच में दब जाता है पर टोरो उसे बाहर निकाल लेता है। ब्रेड टेप प्रॉक्सी ये लोग कैंपस से जहाँ नया कैंप बना रहे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और इन्हें पता चलता है कि कैंपस अभी भी जिंदा होंगे। डेनियस और बाकी लोग बिग किटी को पेड़ के नीचे से निकाल देते हैं। एपिसोड 6 फाइनली टॉर्सन इस नुबलार में आता है। कोई एक टैंसो कंट्रोलिंग चिप को देखकर काफ़ी खुश होता है। टॉर्सन डील पक्की करने से पहले कौन सा कुछ सर्द रखता है उसे एक वेलोसिराप्टर शाकाहारी डायनासोर डायमोहेड्रॉन और एक कार्नोटॉरस लाना होगा। कौन मान जाता है इन सब पर। कैंपस प्लान बनाते हुए सारे कंट्रोलिंग चिप और उससे जुड़ा सारा डाटा डिलीट कर देंगे। इसरा नुबलार में केंजी के सामने बम की आती है जिसे वो लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं पर केंजी मना कर देता है जिसके कारण कॉन केंजी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। रियास और सैमी चिप मिल जाती है। ब्रुकलिन ब्रेड से बचते हुए कैस के कंट्रोल रूम में घुस जाती है जहाँ वो फाइल को डिलीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर फाइल डिलीट नहीं हो पाती क्योंकि उनमें पासवर्ड था और उसके पासवर्ड कीबोर्ड के नीचे मिल जाते हैं तो फाइल को डिलीट करने के संग संग पासवर्ड भी चेंज कर देते हैं। कौन और बाकी लोग ब्लू को ढूंढने के लिए विजिट सेंटर पहुँचते हैं जहाँ ब्लू उनके सामने आती है पर हमले से भाग जाती है। वो लोग ब्लू का पीछा करते हैं। टॉर्सन को रास्ते में बर्बर से कैम मिल जाती है जो उसने 1993 में डेनिस को दिया था। तभी वहाँ अचानक से डायलोफोसोरस आ जाते हैं तो वो लोग डायलोफोसोरस से बच जाते हैं और ब्लू ने दूर से देख रही होती है जिससे पता चलता है कि ब्लू जानबूझकर उन्हें डायलोफोसोरस से घोषणे की उन्हें कराई। इन सबके बाद कौन केंजी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि केंजी को नुबलार के सारे रास्ते पता चल गए अब तक तो। वो लोग डायमोड्रॉन बायोनिक्स को पकड़ लेते हैं जिससे टॉर्सन और कौन की डील पक्की हो जाती है पर मोनिना टॉर्सन का बैग लेकर भागने जाती है जिसे केंजी पकड़ लेता है पर वो बैग छोड़कर ही वहाँ से भाग जाती है। मोबाइल पर किसी से बातें कर रही होती है पर आगे जाकर वो कॉम्पिस द्वारा मार दी जाती है। टॉर्सन का उसका बैग वापस लौटा दे जिससे टॉर्सन काफ़ी खुश होता है।
और डबल अमाउंट देने का वादा करता है। अगर कॉर्न चिप्स और डायनासोर्स को 2 हफ्तों के अंदर अगर डिलीवर करेगा तो इनकी डील पक्की हो जाती है। केंजी को समझ में आ गया था कि उसके पिता बस पैसों के पीछे भागना पसंद करते हैं। एपिसोड 7 टेनिस ब्रिटेन बैन टिया सैनी कौन बनाते थे। कौन जाने से पहले उन्हें सभी डांसर्स को एक जगह कर देना चाहिए ताकि उन्हें बचाने में आसानी हो। सैनी बताते हैं कि सभी डांसर्स के लिए एक तालाब बनाने का फैसला करते हैं जहाँ पर सभी डांसर्स लेकर रह सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। इसके लिए दोनों ट्रेन को बंद करने जाते हैं। टियास और बैन बाइक रखकर एंजल और रिवाल को लेने जाते हैं ताकि लोग नहीं रुकते हैं। वो लोग ट्रेन बंद करने वाले होते हैं में टीरक्सेस में आ जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। डेने से बिकले टीर से ध्यान भटकाने नहीं जाते हैं तो दोनों टीरक्सेस से अपने पीछे ले लेते हैं। बैन और रियाज एंजल और रिवाल बाइक रखकर और टियास को लेकर आ रहे होते हैं। टियास बातें बातों में बैन को बता रही है कि सैनी को पसंद करती है। इस बीच उन्हें पता चलता है कि फायर क्रैकर नया मौजूद नहीं है। फिर वो लोग उसे ढूंढने ले जाते हैं। दूसरी तरफ टेनिस और ब्रुकलिन टीरक्स से बचने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं जो पेड़ पर बना होता है। टीरक्स वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते इसीलिए वो पैराडॉन्स को अपने ओर बुलाते हैं जिससे टीरक्स ध्यान उनकी ओर चले जाता है और चले जाते हैं वहाँ से। बैन और रियास को फायर क्रैकर मिल जाती है तो डायलोफोसॉर्स के बारे में हवाई होती है। वो लोग वहाँ से भागते पर डायलोफोसॉर्स उनका पीछा करते हैं पर वो डायलोफोसॉर्स को एक जगह फंसा कर वहाँ से निकल जाते हैं। सभी ट्रेन को ब्लॉक कर देती है और वाटर फ्लो तेज करने के लिए अंडरग्राउंड जाती है। वहाँ पर एक ब्रेड मिलता है। टीवी वैसे सभी ब्रेड को बंद कर देता पर एक ब्रेड अभी भी ऑन था। सैनी से बचते हुए भाग रहती है और वाटर फ्लो को तेज करने में कामयाब हो जाती है। बाकी लोग भी डांसर्स लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। डिटेक्स भी वहाँ आते हैं और शांति के संग पानी पीने लग जाते हैं। बाकी डांसर्स भी पानी पीते हैं। रियाज और सैनी एक दूसरे से थोड़ा टाइम एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 8 डॉसन कौन से कहता है कि व्यक्ति साहब पैसे देने वाला था उसे कुछ डांसर देने भी चाहिए। कौन उसकी बात मान जाता है और डॉसन वहाँ से चला जाता है। ढीने के लिए वो हॉब्स और मी को भेजता है। इस वक्त रेड टेप फॉक्सी ये लोग फिर अधिक कैंप के पास पहुँचते हैं जहाँ रॉक्सी एक टेंट में घुसी है और कपड़ा हटा देती है जिसमें से सीधी से हॉब से कटा हुआ सर दिखाई देता है जिसका सीजन 2 में देता है। वो लोग चले से बाहर आते हैं और यही सोच रहे थे कि कहीं टाइम पर सिंह किसी निकलते नहीं गए सैलेंज से। केंजी को पता चलता है कि उसके मन करने पर भी कौन ने बंदी को पकड़ लिया था और हिंदू चिप डालती थी जिससे केंजी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। कौन को पता चल जाता है कि कैंपस अपनी कैपेबिलिटी से बाहर निकले और वो आलिंग अब जल्द से जल्द जाना चाहता है। इससे पता चलता है कि मैं गायब है और डीएनए सैंपल्स उसी के पास है। मैं इकट्ठा करके सैंपल्स को मकीन में फेंक देती है और वो पूरी पैरस को देखती है जिसके ऊपर बाकी पैरस पत्थर रख रहे थे। कहीं भी केंजी आकर मेरे को ढूंढ लेता है। वापस चलने को कहता है मैं नहीं जाना चाहती है चाहे वहाँ पर एक भयानक स्वागत है और वो पूरी पैरस को देख नहीं पाते पर बाकी पैरस वहाँ से पहुँच जाती है जिससे पैरानी से वहाँ से चले जाता है और वो पूरी पैरस बच जाती है। मैं ये देखकर काफ़ी सख्त हो जाती है। ये इंसान अंदाज रखने का डिसीजन लेती है। केंजी वर्कर्स और कॉन को मना लेता है और वो लोग आइलैंड से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड और बाकी लोग ये कंफ्यूजन में थे कि कैंपस इस साइड में है कि नहीं पर मई माह आती है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 9 या फिर मैं बातें कर रहे थे कि रियाज को बता देना चाहिए कि सैनी को कि वो उसे पसंद करती है। सैनी कैसे बताना चाहती है कि पार्टी को आने की वजह से आगे नहीं बढ़ती। कैंपस थोड़ा अच्छा टाइम एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कॉल और बाकी लोगों को आने से पहले उन्हें गेट को लॉक कर देना चाहिए। इस दौरान सिस्टम के ख़राब होने की वार्निंग आने लग जाती है। वो लोग इसे देखने जाते हैं तो देखते हैं कि पावर मशीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं गुस्से सारे से प्रेस होता है और सैनी गैस के कारण बेहोश हो जाता है। बैन रियाज सैनी गुस्से सॉस को लेकर सरफेस की ओर जा रहे थे। ब्रुकलिन और टेनिस में रुक जाते हैं पावर मशीन ठीक करने के लिए। टेनिस रैली गैस को रोकता है। ब्रुकलिन सिस्टम को ठीक करने में कामयाब होती है पर वो खुद ही बेहोश हो जाती है जिससे टेनिस बचा लेता है। सरफेस की ओर जाते हुए गुस्से सॉस
होश में आ जाता है। वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है जिससे सॉरस को लेकर वो लोग सरप्राइज से पड़ जाते हैं और जिससे सॉरस एक टेलीफोन सॉरस को मारता देता है और वहाँ से चले जाता है। जिया सैनी को बताती थी कि वो उसे पसंद होती है और सैनी के मन में सेम फीलिंग्स थी। तो वो लोग देखते हैं कि कौन और बाकी लोग आ गए हैं। केंजी को टोरो को कंट्रोल करते हुए देखकर वो काफ़ी दुखी होते हैं। बम्पी को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। एपिसोड 10। कौन केंजी को कैंपस के बताता है कि वो बाहर निकले। बहन बम्पी को कंट्रोल करके काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो बम्पी को जान जा रहा होता है। बाकी लोग बम को रुकने जाते हैं। वो लोग हॉब्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। कौन बताता है कि कंट्रोल चिप यहाँ पर नहीं है, उसने एक बैटर ड्रग रखा है यहाँ पर जो किसी एक ब्लॉक के मुँह में पेन ड्राइव है, उसमें सारा डेटा है। बंजी को सॉरस की देखरेख करने के लिए भेज दिया जाता है। बहन बम्पी को बचाने जाता है और बाकी लोग उस पेन ड्राइव को ढूंढने। ब्रुकलिन सही रैट्स की लोकेशन जान जाती है। वो लोग पेन ड्राइव को ढूंढना शुरू करते हैं। कौन को पता चलता है कि कैंपस ने पासवर्ड चेंज कर दिया, अब उसे पेन ड्राइव और कैंपस दोनों चाहिए। पेन केंजी से गुस्सा मिलता है पर केंजी पेन को मना लेता है। केंजी और पेन बम्पी को बचाने जाता है। वर्कर्स टेंसर्स के पास से केंजी वर्कर्स को किसी आवाज़ से बहाना बनाकर टेंसर से दूर कर देता है। पेन के बहुत कोशिश करने पर भी बम्पी को रिस्पॉन्स नहीं देता। केंजी उसे रिमोट कंट्रोल देता है पर पेन रिमोट कंट्रोल यूज़ नहीं करता। इस बीच वर्कर्स में वापस आ जाते हैं। वो बम्पी की मदद से पेन को मरवाने की कोशिश करते हैं और केंजी को पकड़ लेते हैं। अब बम्पी पेन को मारने वाली होती है और पेन के बार बार पकड़ने पर बम्पी अपने आप को संभाल लेती है। केंजी सही टाइम पर रिमोट तोड़ देता है जिससे बम्पी अपने होश में आ जाती है और वर्कर्स को भगा देती है। कैंपस को पता चलता है कि हॉब्स उनका पीछे कर रहे हैं, इसलिए वो लोग हॉब्स को जानबूझ के स्पाइस हॉर्स के सामने ले आते हैं जिससे हॉब्स भाग जाते हैं और स्पाइस हॉर्स हॉब्स से पीछे पड़ जाता है। उन्हें कैंपस को पेन ड्राइव मिल जाती है और तभी वहाँ पर स्पाइस हॉर्स आ जाता है जिसको हॉब्स कंट्रोल कर रहा होता है। हॉब्स का हमला करने के कुछ समय बाद ही पेन ड्राइव हॉब्स को मिल जाती है और कैंपस वहाँ से भाग जाते हैं। कैंपस गेट को बंद कर देते हैं। कौन बताता है कि उसे पेन ड्राइव के संग संग पासवर्ड की भी जरूरत है। बम्पी और बैन वहाँ पर आते हैं। केंजी वहाँ पर आता है। एपिसोड 11। केंजी उन सभी से माफी मांगता है। सब लोग केंजी को माफ करते हैं सिवाय टेनिस के। टोरो गेट को तोड़ देता है और वो लोग वहाँ पर आकर कैंपस से पासवर्ड मांगते हैं पर कैंपस वहाँ से भाग जाते हैं। बम्पी बैन और ब्रुकलिन उन्हें रोकने जाते हैं। बाकी लोग टेनिस को तालाब के पास से भगाने के लिए जाते हैं। टेनिस को पकड़ने के सिंगल भेजने पर भी कोई भी टेंशन नहीं मिलता। बैन बम्पी और ब्रुकलिन उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाते। टेनिस समझ जाते कि उन डायसोस ने तालाब को अपना घर बना लिया, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। वो लोग डायसोस के साथ लड़ने का फैसला करते हैं। कॉल और बाकी लोग वहाँ पर आकर फिर से पासवर्ड मांगते हैं और पासवर्ड ना देने पर वो लोग हमला करवा देते हैं। कैंपस के डांसर्स कौन के डांसर्स बड़े अच्छे तरीके से लड़ते हैं और कैंपस भी उनका साथ देते हैं। टिकट के डांसर कंट्रोलर्स तोड़ देते हैं। कौन सैनी और फाइव एक्टर केस में जाते हुए देख लेते हैं। कौन सैनी से पासवर्ड मांगता है, सैनी पासवर्ड नहीं देती तो वो कौन सैनी को रिवील कर देता है कि वो ही उसकी फैमिली को ब्लैकमेल कर देता है। सैनी कौन के पेट पर लात मार के चली जाती है। टेनिस और केंजी में वापस दोस्त हो जाती है। कौन सभी डांसर को फिर से कंट्रोल कर लेता है और लिटिल लिट पर हमला करवा देता है। पीछे बिग इटी आकर टेनिस को मार देती है। कौन बिग इटी के कदम पर जानने पर हमला करवा देता है जिससे बिग इटी चेन पर गिर जाती है। एपिसोड 12। सभी डांसर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि बिग इटी उनकी लीडर थी जो अब हार चुकी है। कैंपस में वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग पेड़ पर बने प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और गेट की ओर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में वो स्पाइस हाउस और टोरो के पीछे से अलग अलग हो जाते हैं। केंजी ब्रुकलिन ये लोग टनल में जाते हैं पर वहाँ गार्डन आ जाता है जो ब्रुकलिन को पकड़ लेता है पर केंजी ब्रुकलिन को बचा लेता है पर ब्रुकलिन में केंजी अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। बाकी लोग रूट की तरफ और बीच में वर्कर्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। रैप्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। रियाज सैनी बैन उनको भागने का मौका मिल जाता है और वर्कर कैप्टन द्वारा मार दिया जाता है। थोड़ी दूर पर केंजी देखता है कि डेनियस उसके संग नहीं है जिसको कॉन ने पकड़ लिया होता है। डेनियस के पासवर्ड बताने पर कॉन उसे स्पाइस हॉर्स के द्वारा मारने की धमकी देता है
केंजी वहाँ का डेनिस को बचा लेता है और पासवर्ड दे देता है, और तभी वो कॉन डेनिस पर हमला करवा देता है। बिग किटी वहाँ पर आ जाती है जिसके कारण कॉन से रिमोट छूट जाता है और बिग किटी कंट्रोलर पर चढ़ जाती है और स्पेंसर अपने होश में आ जाता है। बिग किटी उसे आगे की ओर धकेलती है। स्पेंसर बिग किटी के साथ थोड़ी लड़ाई करके वहाँ से चले जाता है। हॉब्स लिटिल किटी के द्वारा मार दिया जाता है। सिस्टम के खराब होने के बाद में वापस आनी शुरू हो जाती है। डेनिस कॉन को सब कुछ बताता है कि भूकंप के बारे में और जहरीली गैस के बारे में। जहरीली गैस के कारण टीरेसिस की मौत हो जाती है। कॉन वहाँ से भागता है और केंजी को वापस लेने की कोशिश करता है। केंजी कॉन को नाराज होता बताता है कि प्रिंसिपल की घटना के बाद कभी भी कॉन ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी। कॉन केंजी और कैंपस को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। डेनिस केंजी को बताता है कि सब फेक सिस्टम होनी थी कॉन को भगाने के लिए, और जहरीली गैस निकली थी वो भरोसे की गैस थी। टीरेसिस को होश आता है तो अपने सिस्टम को ठीक कर देती है जिससे कोई भूकंप और जहरीली गैस नहीं आएगी। रियाज सैमी बैन एंजल और रिवेल को उनके बारे में छोड़ देते हैं। केंजी रिमोट कंट्रोल तोड़ देते हैं, टोरो ठीक हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैंपस तालाब के पास आते हैं और सभी डायनासोर्स को देखते हैं जो शांति से पानी पी रहे होते हैं। उनके बाद मैं रॉक्सी डेव ब्रेड में आते हैं। कैंपस उनसे मिलते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। वकील केंजी को बताते हैं कि उसके फादर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद कैंपस अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं। केंजी डेनिस की फैमिली के हिस्से में रहते हैं, एक साथ रहने का फैसला करते हैं और उनकी फैमिली भी इजाजत दे देती है। फिर अगले डेनिस को दिखाया जाता है जो ये स्टोरी सुना रहा होता है। उसी के साथ केंजी को भी दिखाया जाता है। फिर कैंपस वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। मैं और बहन मिलकर मिनटों के डांसों से ख्याल रखे जिसके बीच समय से केंजी पे करता है। वो टीम डेनिस को बता दी कि उसे खबर नहीं लिखी इसलिए निकला वाली भैंस नर्वसिट हो जाए और वहाँ से भाग लेके अब दुनिया भर में फैल गए। वीडियो कॉल के एंड होने के बाद डेनिस को भारी कदमों की आवाज़ आती है। वो अपने घर के बाहर देखता है तो उसे दिलाकना सांस दिखाई देता है। इसी से जो रसिबल कैंप के टीसीज में फाइनल सीजन खत्म हो जाता है। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज के लिए वीडियो चलो तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक बाय बाय।